अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं ब्रेकफास्ट करने लगा हूँ। आज मैंने बनाया हुआ है मटर पनीर। पिछले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि पनीर लेके आया था और मटर मेरे पास बचे हुए थे वो वाले, और ये 2 चपाती खाऊंगा और थोड़ी सी ये दूध चाय, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, दूध बोल सकते हैं, चाय बोल सकते हैं। तो ये कर लेते हैं फटाफट से और फिर मिलते हैं आपको। तो भाई मैं हर रोज़ ना इस वाली जगह से बस लेता हूँ ढालपुर के लिए, और बस आएगी उस वाली तरफ से और मैं जाऊँगा ऐसे आगे उस वाली तरफ को, और रोज़ यहाँ पे इस मंदिर के दर्शन होते हैं। यहाँ पे ये बाबा बालकनाथ का मंदिर है यहाँ पे एक। तो बस अभी बस देख रहा हूँ, जैसे बस आती है फिर निकलेंगे यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में, आज की नई वीडियो में। भाई अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम तो क्या है यार, मतलब 10 बज गए और अभी थोड़ा सा यार एक तो एक्चुअली ना मैं ये सोच के रहा था कि सामने वाला गेट खुला होगा, मैं ढालपुर ग्राउंड में हूँ अभी, बट वो सामने वाला गेट तो बंद है। अब मुझे वहाँ से निकलना पड़ेगा या तो फिर वो सामने वाले से, ये पता नहीं क्यों उन्होंने बंद किया हुआ है यार, क्या ड्रामा किया हुआ है इधर। और आज का मौसम भाई ये एकदम बढ़िया है, मतलब ऐसे ठंडा ठंडा सा है, धूप भी नहीं है, तो मतलब कि आज का दिन तो बढ़िया निकलेगा। अपने ऑफिस में तो वैसे भी नहीं, मतलब गर्मी होती है, बढ़िया मौसम रहता है जहाँ से मैं जा रहा हूँ ना, ऐसा जैसा कुछ भी हुआ सामने का। अभी दिन के ना 1:30 बज रहे हैं और हम लगे हैं अभी लंच करने। और कि पिछले वाली वीडियो पे भाई जो कुछ आप लोगों ने ना कमेंट करे थे वो मैं आपको बता देता हूँ, और कितना अच्छा लगा मुझे कि आप लोग, मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब जैसे 8-10 लोगों ने कमेंट करे हैं, पर मतलब वो भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मतलब कि 8-10 लोगों का परिवार बहुत है अपना यार, ज़्यादा लोगों का चलो जब जुड़ते रहेंगे तो जुड़ जाएंगे वो, मतलब ऐसे मना नहीं है किसी को आने के लिए परिवार के साथ जुड़ने के लिए। बट सबसे पहले मोंटी भाई बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट भी डालूंगा साथ में। मोंटी भाई शायद से हमारे लोकल ही हैं कहीं से भाई बोल रहे हैं, भाऊ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैं देखता हूँ तेरी वीडियो, फुल सपोर्ट ब्रो। उसके बाद एक अगला कमेंट है, डोंट वरी तो घर की बात है। उसके गणेश राणा जी हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई जी मैं देखता है आपकी वीडियो, लोगों का काम होता है बोलना, ठीक है जी। उसके बाद राहुल अवस्थी जी बोल रहे हैं, राहुल अवस्थी बोल रहे हैं भाई फुल सपोर्ट भाई जी, लव फ्रॉम मंडी, मंडियाल है, अपने मंडी भाई से कोई मंडी से हैं कोई। उसके बाद ऑफिशियल मदन बिस्ट बोल रहे हैं भाई बहुत सुंदर, इन्होंने शायद कोई दूसरी वीडियो देखी होगी उसके ऊपर कमेंट करा था उन्होंने। और उसके बाद चाहत वर्मा जी हैं वो बोल रहे हैं कि हम देखते हैं आपके वीडियो, कीप इट अप। अच्छा जी ये हो गया, थैंक यू सबका। और उसके बाद फिर आगे बात श्याम तनवर जी है, हमेशा कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पर, तो थैंक यू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोल रहे हैं नहीं भाई आगे बढ़ते रहो, मंजिल की परवाह ना करो, बाबा सब देख रहा है, मंजिल से ना हटो, धन्यवाद भाई जी। और उसके बाद टेल्स ऑफ पहाड़ी गाय, जो जिन भाई साहब को मैं पर्सनली क्या मतलब बातचीत होती रहती है व्हाट्सएप पे, तो वो बोल टेल्स ऑफ पहाड़ी गाय जिनके चैनल का नाम यूट्यूब पे भी हैं, ये काफ़ी मतलब ट्रैक ट्रूक करते रहते हैं, और ये हैं पार्वती वैली वाली तरफ से, बहुत अच्छी जगह से हैं। तो ये बोल रहे हैं फुल पावर भाई जी, कीप एंटरटेन अस भाई जी, तो थैंक यू भाई जी। और इनका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, सारे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं साथ साथ में क्या क्या लोगों ने बोला था। तो जब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना भाई, तो अब मुझे लगता है कि भाई क्यों ही मतलब मैं यूट्यूब छोड़ूं या क्यों मैं ब्लॉगिंग छोड़ूं। और फिर ये है कि अपनी मस्ती के लिए मतलब करते रहो ब्लॉगिंग तुम, बाकी क्या दिक्कत परेशानी है। और अभी हम लगे हैं लंच करने, लंच में वही मैंने दिखाया था आपको सुबह, मटर पनीर बोले के आया हूँ मैं और चपाती, तो ये सब निपटा लेते हैं अभी। आज के अपने लंच में है ये मटर पनीर और साथ में चपाती, तो बस अभी ये खा लेते हैं, पूरा निपटा लेते हैं और फिर देखते हैं। तो भाई अभी अभी हम लंच करके हटे ना, और बाहर देखो तुम क्या बारिश लगी है, पता नहीं कितने दिनों के बाद बारिश हो रही है आज, फुल दबा के बारिश आई है, मतलब सेकंड टाइम है कि मैं ऐसी बारिश देख रहा हूँ इस शहर में, नहीं तो यहाँ बारिश ही नहीं होती यार। क्या को मैं पैर तो खाई दे ए लो जी, ओ मैं ना पैर तो खाई ना तो सब कुछ मिल रहा है हमारा।
ये हमारे मडियाल के लाल हैं भाई, काफी फनी बंदे हैं। मैंने जब जीव नाम किया तब कुछ भी नहीं लाया, बड़ा बुरा हाल है। तो भाई अभी ना छुट्टी वगैरह करके आ गए अपना सारा काम धाम निपटा के। मुझे छोटे मोटे कुछ बर्तन चाहिए थे, वो अरे क्या मतलब एक सोप ट्रे चाहिए थी सिंगल वाली, वो मतलब कि जो आता है ना बर्तन साफ करने वाला जो साबुन होता है उसको रखने के लिए किचन के लिए। और अपने विजय बाबू यहाँ बड़े मायूस होके बैठे हैं। नहीं नहीं हम बड़े आनंद। और ये हमारे मडियाल लाला जी हैं। इस वाली शॉप पे ना मैं कुछ बर्तन वगैरह खरीदने के लिए आया था और यहीं पे लाला जी के पास हमें ये मिली है। इन्हें कहते हैं पूड़े हैं और ये ना मतलब बढ़िया डिजाइनिंग करके बनाई हुई है देखो। और सबसे मेन बात होती है इस पे ये जो इसमें ये यूज़ किया होता है ना, ये सारा भांग के जो छिलके होते हैं उसको निकाल के बनाया होता है ये। वैसे यार इसकी कीमत मुझे 150 रुपये बता रहे हैं लाला जी, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि खरीद लो इनको, अच्छी होती हैं ये घर में पहनने के लिए सर्दियों के टाइम पे, अंदर फर्श पे टाइल मार्बल पे। तो ये सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली मतलब मैं परचेज कर लूँ यहाँ से, ले जानी मैंने यार आज। ये की जोड़ा रखा लाला ने, सिंगल पीस है भाई ये शॉप पे यहाँ पे। लाला जी क्या होता था जब आप अंग्रेज जाते थे आपकी दुकान, अंग्रेज जाते थे बुखार आ जाता था, जाता था। और जब उन्होंने सही गल करनी ना तो मैं बोला नो नो गलत गल करी मैं यस यस बोला व्हाट यस यस रोना मैं पैर बाहर निकलो पैर। भाई लाला के पास ना अभी अंग्रेज आए हुए थे दो, मतलब वो कपल था, उन्होंने कुछ सामान वगैरह खरीदा है टावल टूबल। तो लाला बोल रहे हैं बोल अब लगा मैंने की भाषा समझना, नहीं तो पहले मैंने की भाषा नहीं समझता था। एक वो कोई अच्छी बात बोलते तो मैं करता नो नो, अगर वो कोई गलत बात बोलते तो मैं बोलता यस यस। अरे उल्टा लाला का उल्टा हिसाब था। लाला जी वो बताओ जो सामान बता रहा हूँ मैं आपको क्या वही। तो भाई रोज़ की तरह अभी मैं लगा हूँ डिनर करने और आज मैंने बनाया हुआ है ये शिमला मिर्च और पनीर, साथ में मैंने रोटियाँ बनाई हुई है चपाती। चपाती मैंने आज काफ़ी बड़ी बड़ी बना ली, साइज़ में चार ही बनाई मैंने, बोला रहा कौन छोटी छोटी बनाए, वैसे बन जानी थी 6-7, मैंने बनाई 4। और वहाँ से अपने लाला जी से ये ले आया मैं पूड़े, ये सर्दियों में मतलब ऐसे अंदर डालने के लिए काफ़ी बढ़िया होती है। और मैंने आपको बताया था भाई ये जो है ना ये इसका निचले वाला जो पार्ट है मतलब ये बना हुआ है भांग जो होती है उसका जो बाहरला छिलका निकालते हैं पौधे का उसका, रस्सी जैसे बनाते हैं उसकी बनी हुई होती है ये, काफ़ी बढ़िया मतलब यूनिक आइटम है हमारे हिमाचल प्रदेश की है। मोदी ने भी इसके बारे में कई बार बात की है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने।